सीट बेल्ट लावायला सांगायचं त्यांना काय सांगायचं सीट बेल्ट सांगायचं आणि आपणही सीट बेल्ट लावायचा आहे सीट बेल्ट लावला पाहिजे अपघाताचे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे मोटरसायकलवर आपण जेव्हा जातो त्यावेळेस हेल्मेटचा वापर केला पाहिजे हेल्मेटचा वापर केला तर आपले बरेचसे जे अपघात होतात जो समाज में आज के जनरेशन में जो वीकनेसेस हैं जो डाइवर्शंस हैं उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर उन्होंने मुझे कॉल किया था मुझे उन्होंने बताया था तो मैं सबसे पहले ब्राइट फ्यूचर स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं मात्रे साहब जो प्रिंसिपल हैं शाइना मैडम और सारे टीचर्स को बधाई देता हूँ ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का सोच उन्होंने किया और उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है आज के फ्यूचर में और जैसा मैंने कहा आपको अच्छा मन भी होना चाहिए अच्छा तन भी होना चाहिए उसके साथ साथ उन्होंने जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है ये दिखाता है कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में कितना कंसर्न है तो एक बार फिर से मैं उन्हें बधाई का पात्र मानते हुए उन्हें बधाई देता हूँ ये सीवूड की प्रकल पदस्थ शिक्षण संस्था है जिसके की अध्यक्ष अपने गणेश मात्रे साहब हैं जो कि नवी मुंबई में रहते हैं उन्होंने ये स्कूल चालू किया है और ये स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने आज ये मेडिकल कैंप रखा था जिसमें कि हम लोगों ने पीडियाट्रिक के बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है पीडियाट्रिक एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर वैभव सर आए हुए हैं यहाँ पे अच्छा सेहत और अच्छा दिमाग ये दो जो है वो एक भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान होता है और आज यही सोच के हमने सीवूड प्रकल्प ग्रस्त शिक्षण संस्था ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल उलवे ने आज हेल्थ चेकअप कैंप रखा है मोस्टली लोग जो है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं जनरल चेकअप रखना क्यों ज़रूरी है कि साल में एक बार तो एक रूटीन चेकअप करना है ये अवेयरनेस हम हमारे पेरेंट्स को देना चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे बच्चे एकेडमिक ही नहीं हेल्थ से भी अच्छे रहे हमेशा और ये कैंप जो आज हमने रखा है वो सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं यहाँ रहने वाले हर एक सिटीज़न के लिए ये कैंप रखा है और ये कैंप फ्री है और सारे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं और सवेरे हमने वर्कशॉप्स रखा था बच्चों के लिए सेफ अनसेफ टच का था मदर्स डॉटर प्रोग्राम थे स्पेशली बॉयज़ के लिए काउंसलर आए थे काउंसलिंग सेशन रखा था और हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये आज का कार्यक्रम जो आज का हमने प्रोग्राम रखा है वो फर्दर वॉक ऑफ लाइफ बच्चों को फ्यूचर में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है मैं यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका धन्यवाद कहूँगी जो उन्होंने उनके बिजी स्केड्यूल से उनके दो स्टाफ ऑफिसर्स यहाँ भेजे और उन्होंने इतना अच्छा अवेयरनेस लाया है हमारे पेरेंट्स के बीच और हमारे आने वाले जो फ्यूचर सिटीज़न है हमारे जो जूनियर सिटीज़न जो आगे जाके सीनियर सिटीज़न बनने वाले हैं जो हमारे आगे जाके जो चालक रहेंगे जो रास्ते पे जो गाड़ी चलाएंगे उनमें जो उन्होंने अवेयरनेस लाया और आज हमारे बच्चों ने ये प्रतिज्ञा ली है कि हमारा एक बच्चा हमारे पेरेंट्स ने एक प्रतिज्ञा ली है कि हमारा एक पेरेंट्स पाँच पेरेंट्स को और हमारा एक बच्चा पाँच बच्चों को ये मैसेज जाके देगा और ज़रूर आगे जाके हमारे यहाँ जो ये हादसे होते हैं वो कम होंगे और एक बार फिर से मैं ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद दूँ